हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे इंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में, है ना। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होता है ना। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं आज हम देखेंगे बच्चों, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स, क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के, है ना, सॉल्यूशन होता है किसके ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग होता है। पहला क्या होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला कौन कौन से होता है। पहला जो होता है बच्चों उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, वैसा सॉल्यूशन, है ना, जिसके अंदर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो अधिक होगा और सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, लो होगा। उस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। सेल के बाहर की हम सिर्फ बात करेंगे, सेल की बाहर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि मान लो कि अगर एक ग्लास लिया जाए या बीकर लिया जाए, इसे हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्यूशन को डाल देंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें कोई भी सेल डाल देंगे, या तो एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल या प्लांट सेल, कोई भी सेल होगा उसके अंदर डाल देंगे, है ना। कैसे डालेंगे तो देखेंगे कि सेल के अंदर का, देखिए इफ द मीडियम सम, यानी जो यहाँ मीडियम, जिस मीडियम में डाला गया है इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से अगर लो होगा, यानी सोचो कि ये ग्लास में जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन अगर क्या होगा, लो होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, और सेल के अंदर का क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। तो पढ़े हुए थे हम लोग, है ना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में। हमेशा हाई से क्या होता है, लो की ओर आता है, हाई से लो की ओर आता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसके सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन, जो वाटर के मूवमेंट वाटर होगा वो धीरे धीरे कहाँ चलाएगा, अपने सराउंडिंग में बाहर निकल जाएगा, यानी उस ग्लास वाटर के अंदर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण, है ना, यह जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, श्रिंक हो जाएगा। क्यों भाई, तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के बाहर का जो वाटर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है लो है, तो सेल के अंदर का जो पानी होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलकर चला है। इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं उसी को बच्चों लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो डालेंगे, हम देखेंगे इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ किसका होगा बच्चों, यहां पर देखो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, वाटर, है ना, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना, देन किसके अकॉर्डिंग बच्चों, देन द सेल। सेल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, लोअर होगा, तो क्या होगा, सेल क्या करेगा, लॉस वाटर, सेल क्या करेगा, वाटर को लॉस करेगा, है सेल, तो क्या होगा, मैंने यह जो सेल होगा वाटर को क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना, बाय सेल लॉस वाटर बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल, क्या होगा बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सिर क्या होगा बच्चों,
सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल तो सेल के अंदर वाटर है, वाटर जब निकल जाएगा तो क्या होगा, वो उसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे वो देखते हैं। इसको बच्चों में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक बीकर ले लिया यहाँ पे बच्चों, वही वाटर ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, सेल इसमें डाल लेंगे, कोई भी सेल होगा बच्चों, इसमें प्लांट सेल आरबीसी को ले ला, एनिमल सेल है आरबीसी डाल देंगे। अगर यह सेल के सराउंडिंग अगर हायर कंसेंट्रेशन है, ध्यान देना बच्चों, हायर, हायर कंसेंट्रेशन यानी ज्यादा है, और सेल के अंदर क्या है बच्चों, लोअर, लोअर कंसेंट्रेशन, स्वाभाविक है कि हायर से क्या होगा, लोअर की जाएगा, तो इसके सराउंडिंग, सेल के सराउंडिंग जो वाटर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। तो वाटर जाएगा इसके अंदर तो छोटा सा है, तो पानी घुसा, वाटर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये फूल जाएगा यहाँ, है ना। तो सेल क्या होगा, सेल अप कर जाएगा, सेल अप कर जाएगा, सेल क्या होगा, सेल अप हो जाएगा। इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो बीकर में जो सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। डालते हैं बच्चों, इफ द मीडियम, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज, क्या होगा बच्चों, हायर वाटर कंसेंट्रेशन, हैज ए हायर वाटर कंसेंट्रेशन, इसे कर से देन द सेल, देन द सेल, तो क्या होगा, सेल से वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, सेल से वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो सेल क्या होगा बच्चों, यहां पर सॉरी हायर, हाँ हायर होगा, सेल लेगा, सेल के अंदर लेगा, तो क्या करेगा, सेल गेन वाटर, गेन वाटर, सेल क्या करेगा बच्चों, वाटर लेगा बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बच्चों, ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होगा, ये वाटर को क्या करेगा, सेल लेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, सेल विल सेल अप, देन सेल विल सेल अप, है ना। यानी इसके अंदर का जो कंसेंट्रेशन होगा, सेल के अंदर का लो होगा, यानी ये कह सकते हैं सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी अधिक है, वाटर अधिक है, तो वाटर क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात समझेंगे, और सेल क्या होगा, फूल जाएगा, सेल अप हो जाएगा। इस टाइप के जो सॉल्यूशन होगा उसे बच्चों क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें पानी जाएगा, पानी तो जाएगा निकलेगा, लेकिन अधिक पानी क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, ठीक है ना बच्चों। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसको लिख लो बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों कौन सा सॉल्यूशन तीसरा होगा। दो सॉल्यूशन देख लिया हम, तीसरा सॉल्यूशन होगा बच्चों उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। जैसे कि मान लो कि एक बीकर हो गया, बीकर में क्या होगा भाई, एक सेल रख दिया, यहाँ भी वाटर कंसेंट्रेशन है ना बच्चों, इसके अंदर भी वाटर कंसेंट्रेशन। अगर दोनों का कंसेंट्रेशन, सेल और सेल के सराउंडिंग, सेल और सेल के सराउंडिंग, अगर वाटर का कंसेंट्रेशन अगर एग्जैक्टली है, अगर सेम है, तो क्या होगा, जितना वाटर सेल के अंदर जाएगा उतनी ही वाटर क्या होगा, सेल के बाहर आएगा, यानी जितना गया उतना आया, यानी दोनों का कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, ना तो अधिक जाएगा और ना अधिक आएगा। तो सेल क्या होगा, सेल का शेप और साइज क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, ना वो फूलेगा और ना क्या होगा, वह श्रिंक होगा, ना सेल अप होगा ना श्रिंक होगा। इस टाइप के, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होगा बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दैट इफ द मीडियम, मीडियम
सराउंडिंग, इफ द मीडियम सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग होगा बच्चों, द सेल इज एग्जैक्टली किसके बराबर, एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन, एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन, वाटर कंसेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा है ना, किसके, एज द सेल, एज द सेल, एज द सेल, तो क्या होगा, देयर विल, देयर विल क्या होगा बच्चों, पानी अधिक जाएगा, कम आएगा, नहीं, देयर विल बी नॉट, देयर विल बी नो नेट वाटर, नो नेट वाटर, क्या मूवमेंट ऑफ वाटर लिखेंगे बच्चों, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की बात हो रही है, वाटर क्या होगा, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, एग्जैक्टली क्या होगा, अक्रॉस करेगा, जितना जाएगा उतना ही बच्चों क्या होगा, अंदर आएगा, इस टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जितना मात्रा में पानी गया उतनी ही मात्रा में बच्चों क्या होगा, पानी बाहर आ गया है ना, इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और हाइपोटोनिक है ना बच्चों, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना बच्चों, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आई बटन को क्लिक कीजिए, जो भी होगा लेक्चर है ना आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले बच्चों है ना, जो भी आपका सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में डालिए है ना, और इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा बच्चों है ना, जो भी एनसीईआरटी फॉलो करता है ना, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को क्या करना बनाना, जो भी एग्जाम आपका होगा सब एनसीईआरटी बेस पर ही होता है, जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं आप लोग, आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गया, सब क्या होगा यहीं पर, इसी आईआईटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी के बुक को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है बच्चों, यहीं के लिए ओके।